असेम आना जम मार के तैर गया तैर के मास्क पहना है ना कुछ नहीं होगा मेरे Hey, what's everybody's idea? Welcome back to my channel. Okay, so guys, आज हम लोग और हाँ मैं मतलब स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि ये वो सरप्राइज व्लॉग नहीं है जिसके बारे में मैंने पिछले व्लॉग में बोला था, तो आप लोग उस एक्साइटमेंट से मत देखना, ये सरप्राइज व्लॉग नहीं है, उसको थोड़ा आने में टाइम लगेगा और थोड़ा और वेट करो, जितना वेट करोगे उतना और मजा आएगी। सो अभी हम लोग आज जा रहे हैं एक अबॉन्डेंट प्लेस पे, सो हम लोग उधर पे आज जाके शूट करेंगे। मैं बहुत टाइम बाद शूट पे जा रहा हूँ और अभी बज रहे हैं 10, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग तो सुबह 7 बजे से उठे हैं और हम लोग सोचे थे कि 8 बजे निकलेंगे, लेकिन बारिश ने साथ नहीं दी। कब से हो जा रही है, अभी भी हो ही रही है थोड़ी थोड़ी, तो अभी हम लोग उधर पे जाते हैं और थोड़े फोटो शूट करते हैं और मचाते हैं। गाइस हम लोग उधर पे कचरे से एंटर हो गए इधर पे हाँ मतलब उधर पे थोड़ा सा कचरा फेंके थे लोगों ने, वो जैसे इंसानों की आदत है, सो वही। तो अभी ये है, ये तो स्टार्ट है गाइस, मैं अभी आप लोगों को और बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्लेस है, तो चलते हैं। ये प्लेस मैंने बहुत बार इधर से जाने के टाइम पे देखा था, तो वही चलते अभी और मचाते हैं। बारिश की वजह से पानी बहुत है गाइस इधर पे, एक तो मैंने शूज़ पहन के आया हूँ, पूरे शूज़ गंदे हो जाएंगे। उधर से है ना पत्थर उत्तर लेके आना चाहिए था। हाँ और फिर हम लोग क्या करें, इतना दिमाग नहीं लगा सकता था बचपन से, स्मार्ट यू नो। देखो गाइस एकदम ऐसा लग रहा है ना जैसे ये बहुत पुराने जमाने का, लेकिन ये है नहीं उतने पुराने जमाने का, है ना जासिम? ये ज्यादा पुराना नहीं है ना, मेरे ख्याल से कुछ 1 करोड़ साल 10-15 साल पुराना रहेगा बस, या उससे थोड़ा और ज्यादा, लेकिन वैसा राजा महाराजा वाले टाइम का भी नहीं है, लेकिन इसकी जो बनावट है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पुराना है, क्योंकि देखो ये सब ये मेरे ख्याल से पर्शियन स्टाइल है या अरब स्टाइल कुछ तो है। तो वही तो चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है, हम लोग इधर पे थोड़ा सी फोटो शूट भी करेंगे, तो वही। और इधर पे हम लोग ने अभी तक कोई ट्रेस पासिंग का बोर्ड तो देखे नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ब्लॉग बर्बाद हो जाएगा, तो वही चलो अभी आगे देखते रहे। तो हे गाइस अभी मैं हूँ इसके अंदर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और आप लोग एक चीज़ बताता हूँ, देखो इधर तो ऊपर बल्ब के होल्डर्स लगे हैं, तो इससे पता चलता है कि ज़्यादा पुराना नहीं है ये, मैं तो जाता हूँ उधर पे पिक क्लिक कर रहा है, तो वही। तो इसकी जो मैंने विंडो आप लोगों को बताया ना, विंडो बहुत प्यारी है, ये लुक बहुत अच्छा आएगा, तो यहाँ पे फोटो निकाल रहा हूँ मैं, मेरी बहुत फट रही है, अंधेरा बहुत है। अभी जासिम को मैंने आगे भेजा था कि देख जरा कोई आगे है तो नहीं, ऐसा ऐसा जो कोई रहेगा तो मतलब बात करेंगे, लेकिन आगे बोलता कुछ उसको डरावना सा दिखा। आप लोगों को तो पता ही, हम लोग जहाँ जाते वहाँ कुछ ना हो, ऐसा हो सकता है इन द हिस्ट्री, अभी तक नहीं हुआ है, तो वही कुछ ना कुछ तो होगा, ब्लॉग देखते रहो बस। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ चल सर का ताज ताज होटल
टोपी काली हो गई ना। गाइस अभी हम लोग वहाँ पे शूट कर लिए, तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। जो कैमरामैन चार नवाब। सो देखो गाइस, बहुत ही प्यारा सा है लोकेशन। और आप लोग सोच रहे हैं हम लोग इतना प्यारा प्यारा लोकेशन ढूंढ कैसे लेते। मैं बचपन से स्मार्ट हूँ, आप लोगों को पता है। सो भाई बाल कैसे हो गए हैं। तो ये देखो डोम जो आधा है, पूरा बन नहीं पाया। इसकी कुछ तो स्टोरी है गाइस। मैंने तो सुना था ये कुछ एक मतलब इंस्टीट्यूट था जहाँ पे मतलब पढ़ाई वढ़ाई होती है, और मतलब बनते बनते आधा रुक गया। कोई कुछ पुलिस वुलिस का केस था शायद, या ऐसा ही कुछ था। तो बनते बनते रुक गया और अभी ये है ऐसा आधा बना हुआ। लेकिन जैसा ही बना रहे थे ना, बहुत प्यारा बना रहे थे। देखो आप एकदम जैसे मुगल्स के फोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ही है। देख सकते हो वो डोम, देखो कितना मस्त लग रहा है। बहुत ज़्यादा दूर है वो, लेकिन देखेंगे हम लोग, ट्राई करेंगे अगर उधर जाने मिला तो। यहाँ पे कोई एक बाइक दिख रही है, शायद यहाँ पे कोई रहता है। तो भाई तो चलते हैं। तो गाइस देखो हम लोग इधर पर फोटो शूट कर रहे हैं। आप लोगों को देखो वो डोम दिख रहा है ना पीछे, कितना मस्त लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरा ताजमहल था, बनते बनते रुक गया, आधा डोम बना इसका खाली। और हम लोग यहाँ पे किसी को ढूंढ रहे, कोई मिल ही नहीं रहा है जिसे पता लगा है कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है। तो वही कोई हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है हर चीज़ की। जासिम की फट रही, अजीब अजीब शक्ल बना रहे हो, इधर उधर खाली घूरे जा रहे हैं कि कोई कहीं से निकल जाए। तो वही कैमरामैन साकिब नवाब आपके साथ, कराची पाकिस्तान। तो हे गाइस अभी हम लोग है घर में, इधर कहाँ है, इधर है। तो हम लोग वहाँ से आ गए, आए नहीं, भगाया गया है हम लोग को। तो अभी हम लोग थोड़ा इधर पे फोटो खींच रहे, फिर हम लोग देखेंगे दूसरा लोकेशन, क्योंकि इतने जल्दी घर नहीं जा सकते। पिक बहुत कम आई है मेरे ख्याल से, मुश्किल से 10 आई होगी। तो अभी हम लोग कोई और लोकेशन ढूंढेंगे, देखते हैं और एक कोई अबॉन्डेंट प्लेस मिलता है कि नहीं। हम लोग सोच रहे वापस इसमें घुस जाए, लेकिन रहन दो, कुछ शॉर्ट हो जाएगा। सो अंकल से हम लोग ने पूछे कि अंकल हिस्ट्री क्या है जगह की, अंकल बोलते पुलिस केस है, फुल स्टॉप। बस इतनी सी हिस्ट्री थी, बहुत बड़ी हिस्ट्री थी। देखिए एक पूरी नोवेल लिखी हुई है इसके बारे में, 100 पेज की नोवेल है, और पहले पेज पर लिखा पुलिस केस है फुल स्टॉप। बाकी पूरी पेज खाली है, बाकी पूरी पेज खाली है। तो भाई और ये गधे ने जासिम ने उसको बोला था मैंने मेमोरी कार्ड लेके आने, तो 1 GB का मेमोरी कार्ड लेके आया बंदे ने, 1 GB का, समझ रहे हो, 1 GB कौन से जमाने में जी रहा है वो, 1 GB 1 GB आज कोई नोकिया के मोबाइल में भी नहीं डालता है बटन वाले। और वो अभी भर गई है, और इसने पिन भी नहीं लेके आया, अभी पिन ढूंढने गया है टेलर के उधर कहीं से, ताकि उसके मोबाइल की मेमोरी कार्ड निकाल सके। मैं बोला था ना हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती है। तो गाइस हम लोगों को दूसरा लोकेशन मिला है, एक पॉन्ड टाइप का कुछ है। तो अभी हम लोग इधर पे पेट्रोल भराने के लिए आए हैं, और देखते हैं अगर वो लोकेशन अच्छा नहीं रहा ना तो दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन आज करके जाएंगे। आज बारिश से भी नहीं डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, भगा दिए तो भी। सो वही हम लोग ने वहाँ पे वैसे भी निकाल लिए, 10 से 12 पिक्स निकाल लिए है, तो कोई बात नहीं। अंकल ने बहुत बाद में ढूंढे, तो अंकल आपका पूछा हो गया। और वैसे कहीं भी घुसने का नहीं, गए हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग पीछे के रास्ते से गए थे, मतलब हम लोगों ने आगे का रास्ता देखे ही नहीं थे। तो वही मैंने जब भी वो मतलब जगह देखा, पीछे के रास्ते से देखा, मेरे को पता नहीं था उसका आगे का गेट भी है, तो हम लोग पीछे से गए थे। तो ऐसा कहीं पे आप लोग घुसना नहीं, मैं इस चीज़ को ज़रा भी सपोर्ट नहीं करता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, चलते हैं और मचाते हैं। तो भाई असीम आना जम मार के, तैर के मास्क पहना है ना, कुछ नहीं होगा। डूबेगा नहीं, छतरी में बैठ के आए, छतरी में बैठ जा और उल्टा उल्टा बोट की तरह। हाँ ऐसा ऐसा, हाँ बैठ जा, अरे मत कर गंदी हो जाएगी। अरे देख कितना हरामी है। तो गाइस हम लोग पार कर लिए ये पॉइंट, वैसे ये पॉइंट नहीं था, पॉइंट आगे है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इधर से,
पॉइंट इधर से शुरू हो गया देखो। गाइस हम लोगों को पॉइंट मिल गया है। वहाँ देखो कुछ लोग नहा भी रहे नंगे पुंगे। पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, हम लोग ने ऐसा नहीं सोचे थे। और ये हम लोग ने कहाँ से ढूंढे मालूम, गूगल मैप पे जूम करके तो दिखा है ये पॉन्ड हरा भरा। तो अभी इधर पे थोड़ा फोटो शूट करेंगे अगर पिक अच्छी आई तो, और थोड़ी सी रील्स बनाएंगे। कौन है रे, जासिम को छेड़ रहा है कोई। तो चलते हैं अभी। तो चलते हैं अभी फोटो, मतलब फोटो शूट करते हैं। फिर अगर इधर पे भी थोड़ी सी निकालेंगे क्योंकि उतना भी अच्छा लोकेशन नहीं है। फिर बोला फिर दूसरे लोकेशन पे जाएंगे। आज खाली लोकेशन से लोकेशन करते रहेंगे बस। और ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही आज। सो भाई साहिब क्या कर रहा था? तीस वाली फोटो निकालता जाते। अंकल कितना हो गए फोटो निकालने का? 100 रुपए नहीं भाई, सस्ता करो कुछ। बहुत ज्यादा बोल रहे भाई। गेट ऑफ इंडिया कहते हम लोग 30 रुपए लिया था एक फोटो का। हाँ। निकाल के दिया जगह पे। देखो गाइस सेम वैसे ही दिख रहा है। इंडिया गेट पे आप लोग आए होगे तो देखी होगी, ऐसे बैग लटका लेते सर पे टोपी और कैमरा। अच्छी आएगी फैमिली के साथ ये वाला पोज। ताज पे वही। देखो गाइस जासिम ने क्या पकड़ा, मछली। मछली जल की नानी है। अबे जिंदा है, पानी में डाल, पानी में डाल जल्दी, जिंदा है। तो लगा मर गई पानी। अबे जल्दी डाल। अरे मर गई रे, हट साले। अरे जिंदा है, जिंदा है। एक्टिंग कर रही थी, भागी। एक्टर है, छोड़ रहे थे। क्यों पकड़ रहा है जबरदस्ती का? मर जाएगी। तो हे गाइस हम लोग ने और एक लोकेशन ढूंढ ली है। रास्ते में हम लोग चलते चलते लोकेशन ढूंढ रहे हैं। और अभी का लोकेशन है, ये लोकेशन नहीं, हमारी फैक्ट्री है सालों पुरानी। हमारी फैक्ट्री है सालों पुरानी जिसका नाम है कोलाज ऑफ टायर्स। तो वही नाम है जनता गैराज। जनता गैराज साउथ की। हम लोग इधर पे थोड़ी सी फोटो क्लिक करेंगे और हमारा आगे जाएंगे। और हमारा वॉचमैन इधर पे काम करता है भाई, से हम लोग ने इजाजत ली है। तो भाई उठा उठा। हिला 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 हिला। पहले भी हम लोग जा रहे अगले पड़ाव की ओर, मतलब दूसरे लोकेशन पे। हम लोग पूरे भीग चुके, मेरा कपड़ा भीगा हुआ दिख रहा नहीं क्योंकि वो ऐसा रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, कुछ तो है वाटर प्रूफ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे, देखते हैं दूसरा लोकेशन क्या है। रास्ते में दिख जाए तो ठीक है। तो वही व्हाट्सअप सब ब्रो। तो ये गाइस अभी हम लोग इधर पे आए बड्डा पाव खाने के लिए। तो ये हम लोग के पीछे मॉल है, ये नहीं, ये है एक्सपीरिया। ले गया सैंडविच ही ले गया। तो हम लोग आए इधर पे बड़ा पाव खाने के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे उधर पीछे और थोड़ा उधर पे फोटो शूट करेंगे। मेरे बाल पूरे भीग गए, हालत ख़राब हो गई हम लोगों की। हम लोग सुबह में कितने बजे निकले घर से? सुबह में 9 बजे निकले, 9 बजे और उठे सुबह सुबह 7 बजे। और लोकेशन तो अभी तक 1, 2, 3 लोकेशन चेंज कर लिया और अभी ये 4th है। तो देखो, और अभी मैं शायद चेंज भी करूँगा,
शायद अगर मौका मिला तो। गाइस अभी हम लोग ने मैंने मतलब टी शर्ट चेंज कर लिया हूँ और वहाँ देखो कौन है, मिस्टर स्टार्क आयरन मैन। हम लोग ने वहाँ पे भी फ़ोटो निकाल लिए, ब्लैक वाली टी शर्ट में निकाला मैंने। तो अभी ये है, ये वाला लोकेशन है और अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोकेशन है। ये लोकेशन की आपने मेरी पहले भी पिक देखे होंगे। हम लोग को भूख लग रही है अभी भी, वड़ा पाव खाने के बाद भी। हम लोग वड़ा क्या समोसा पाव खाया, वड्डा पाव नहीं मिला, ज़्यादा गर्म था, वड्डा पाव नहीं मिला, बहुत ज़्यादा गर्म था। तो वही पहले भी हम लोग इधर पे आए थे मॉल के पास में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग को लगा क्या पता मॉल खुला है, तो मॉल खुला है, नए रूल्स आए हैं, तो जितने वैक्सीनेशन का दोनों डोज लिया है सिर्फ वही जा सकता है। तो आप लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया तो जल्दी जाके लगाओ, मॉल में नहीं बाहर जाके लगाओ, फिर आप लोग मॉल जा पाओगे, फिर आप लोग सुरक्षित हो जाओगे कोरोना से। तो वही, अरे और मेरे बाजू में देखो कौन बैठा है, व्हाट्सअप क्लासिक, अरे मैकडोनी, इसका नाम है मैकडोनकी। अब इसका नाम है मैकडोनकी, हाय मैकडोनकी, जान अंदर फ़ोन करो, बोल बर्गर देने फ्री में, हम लोग तेरे दोस्त लो यार। बैठा कितने आराम से नवाब, इसका गंबुट उम्बुट पहन के बैठा है वो अलग बात है, गंबुट उम्बुट फट गए चिपका दिया है कपड़े, कुछ नहीं बनने वाला है, मत करना। तो गाइस हम लोगों का फोटो शूट हो गया है, तो वही ताकि बॉय हम लोग ने एक दूसरे का फोटो खींच लिए, फोटोग्राफर नहीं लाए थे इस बार, तो वही वो सब कैसी लगी हमारी सर्विस, बहुत अच्छी फोटो निकाले ना हम लोग, ऑलराउंडर है ना हम लोग, एकदम स्मार्ट है बचपन से, लेकिन तारीफ कभी नहीं करते थे। पिछले व्लॉग में भूल गया था बोलना, अच्छा याद आ गया अभी, बचपन से स्मार्ट यू नो। तो वही, तो अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग को भूख लग रही है, देखेंगे अगर कहीं खाने पीने के लिए रुके तो। गाइस अभी कितने बज रहे मालूम, टाइम कितना हो रहा है, 5:41 हो रहे, और हम लोग सुबह 9:30 से निकले और घूम रहे इधर से उधर, मेहनत देख रहे हम लोग की, हाँ तो इतनी मेहनत से चलो नीचे, हाँ तो इतनी मेहनत पे चलो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन भी दबा देना और लाइक जरूर करो, टन टन। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।